उत्तर था नहीं। ये कौन राज्यपाल ने साफ कहा, हमको पता है तब आप कितना विकास किए, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, इसे राज्य के प्रथम रहनुमा का स्टेटमेंट है कि टाटा ने क्या विकास किया झारखंड का, ये हमको भी मालूम है। हाँ, आपने विकास किया है, 1000 करोड़ आपने फंड में दिया है प्रधानमंत्री केयर फंड में, जिसका आरपीआई नहीं है, वो फंड कोरोना में काम और विधायक और सांसद खरीदने में काम आया, बिल्कुल आपने काम किया है। मतलब साफ भाषा में हम कहना चाहेंगे, इस लोहे की नगरी में, इस उद्योग की नगरी में विकास हुआ है, लेकिन कैसा थोड़ा समझा देते हैं। जैसे ढोल बनता है ना, ढोल बजाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन ढोल एक चमड़े से बनता है, वो चमड़ा झारखंडियों का है, और जो सुनने में मजा ले रहे हैं वो गैर झारखंडी है। बताइए, ये अन्याय कहीं नहीं हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में ये अन्याय नहीं हुआ है। जमीने हमारी, यही जादूगोड़ा में यूरेनियम, यही स्वर्णरेखा का नदी का पानी, यही टिमना में इनका लाखों करोड़ों का बकाया, ये पूरा अन्याय पूरे ब्रह्मांड में नहीं हुआ है, इतना झारखंड से अन्याय होता है। आज लोहर नगरी में, कोयला नगरी में, रांची में, अरे भाई हम लोग भी वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं, आज हम लोग इतने सरल है कि आज देखिए हर जगह हमारी जमीनों पर बाहर के लोग कार्य कर रहे हैं, हमारी जमीन पर खा रहे हैं और गाली हमको दे रहे हैं। इतना सहनशीलता किसी की नहीं है, इतना सरल कोई नहीं है। आप सीधे बात बताइए, कत्ल किसका होगा और मजा टाटा में कौन मार रहा है, बताइए ललित दास की क्या योग्यता है, जो IL6 में जॉब कर रहे हैं, CSR को देख रहे हैं, क्या योग्यता है ललित दास की? यह योग्यता है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यपाल के बेटे हैं, क्या योग्यता है बताइए, क्या कभी ने उनसे सवाल हुआ? इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, चूंकि आप जनता की आवाज है, आज आपको भी देखना होगा कि आज स्थिति है टाटा जमशेदपुर की, आज आपको देखना होगा कि आज स्थिति है, लगातार पहले कोयला माफिया हावी थे, अभी भू माफिया हावी हो रहे हैं। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मेरा प्रार्थना होगा, मेरी गर्वत प्रार्थना होगी कि आज झारखंड के दर्द को दिखाइए कि कितने पीड़ित है झारखंड। सुनील महतो आप कई साल बीत गए, उनके कातिलों को नहीं पकड़ा गया, साथ ही साथ उनके परिवार, देखिए अगर शहीद, साथ ही साथ उनके परिवार जन जो है SHP कार्यालय में मदद की गुहार लगा रहे हैं जमीन की रक्षा को लेकर, क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य है, शहीद सुनील महतो की जिस दिन हत्या का पर्दा पास होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनको आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसे लोग उनकी हत्या में शामिल है। बहुत साजिश के साथ उनकी हत्या की गई थी, क्योंकि हम लोग उस समय काफी छोटी उम्र में थे, हमें ये चर्चा थी गांव में कि 2 या 3 दिन बाद, आज उनकी माता जिंदा है, 2 दिन बाद वो कोयला मंत्री बनते हैं। कोयला मंत्री आप जानते हैं, ये कोयलांचल है झारखंड, अगर वो कोयला मंत्री करते तो माफियाओं को भीतर घुसा के रख देते। उनकी हत्या बहुत साजिश के तहत हुई है, इसमें उनके कुछ अपने लोग भी शामिल होंगे, कुछ कॉरपोरेट जगत के लोग शामिल होंगे, इसलिए आज उनकी जांच नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल हम सरकार से एक मांग ये भी करेंगे और मीडिया बंधुओं से कहेंगे कि आज के दिन कम से कम उनकी माँ को मीडिया में दिखाइए। हम मानते हैं कम व्यू मिलेगा, लेकिन आज मैं मीडिया बंधुओं से कहूंगा, आज उनकी माँ हकदार है कि आप उनको अपने चैनल में दिखाइए। आज उनके घर हम गए थे, उनकी माँ कह रही है ठीक से खाने पीने का आर्थिक स्थिति दंडनीय है। एक सांसद का परिवार आज इतनी दयनीय स्थिति में है, उनको टुसू का मेला लगता है, उसमें पैसा बचता है, सांसद के परिवार को भेजा जाता है। ये स्थिति झारखंड की है। और कुछ लोग आते हैं हरियाणा से, रांची में सांसद बनते हैं संजय सेठ, कुछ लोग आते हैं पटना दरभंगा से, जयंत सिन्हा सांसद बनते हैं, कई हजार करोड़ की संपत्ति अर्जित करते हैं, और एक सांसद की माँ, एक विधवा माँ 90 वर्ष की उम्र में आज आर्थिक मार झेल रही है। इसलिए आज मैं तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आह्वान करूंगा, आपके चैनल में 30 सेकंड ही सही, 60 सेकंड ही सही, आज शहीद सुनील महतो की माँ की तस्वीर, उनकी वीडियो, उनके फुटेज होने चाहिए, उनकी दशा आज क्या है पूरे राज्य को देखना चाहिए।